नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है 9bean के चैनल में। चारों तरफ चल रहा था अंबानी फैमिली का प्री वेडिंग का चर्चा है, लेकिन कुछ घटना ऐसे घटी जिस घटने ने 100 करोड़ का प्री वेडिंग का हाइप घटा दिया। यानी कि बोले तो जैसे मेरे चैनल में व्यूज नहीं आता, ऐसे ही अंबानी फैमिली का प्री वेडिंग का व्यूज नहीं आ रही है। अबे साले, तभी से भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उसका मेन कारण है दो बंदा और एक का नाम है एल्विस भाई। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकते हैं क्या? और दूसरा है, अबे भाई मैंने 3 बंदे को डाउन कर दिया, मुझे रिवाइव कोई दो, यानी कि भाई मैक्स 10। इन दोनों के बीच हो गया है भसड़, यानी कि WWE। हम इस WWE की थोड़े चर्चाएं करेंगे। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है ISPL से, जहां पर एलबी यादव मुनावर फारूकी से थोड़ा गले वगैरह मिलके ब्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ट्विटर में ऐसे कुछ पोस्ट कर देते हैं जहां पर एलबी यादव को आ जाता है गुस्सा, और उसके बाद दोनों ट्विटर में ही लग जाता है ऑनलाइन फाइट। एलबी यादव बोलते हैं नेक्स्ट डे को, सिस्टम बोलो सिस्टम, तू डल में रहता ना, सोचा की याद दिला दू। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्वीट करके बोलता है थैंक यू एलबी भाई। इन दोनों का झगड़ा खत्म होने के बाद इन दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद एक ही बोतल में दोनों पानी पिया। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ समझा नहीं, ये कौन सी तरीके का झगड़ा होते? नहीं, मुझे अब समझ में आया भाई, हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता, मजाक से हटके, पर ऐसे कोई नहीं करता तुम्हारे घर। जैसे हर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है, इस वाले बिग बॉस में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ था। कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, कितने फॉलोवर है, एक ही दिल है, धड़कन रुकते ही खत्म। वाइल्ड कार्ड एंट्री देख कर जनता को लगा था कि ये शो बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये शो तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। हाँ भाई, हाँ क्या हो गया? जल्दी हो, ठीक हो गया इनका? अब बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब ठीक हो तुम? हाँ बिल्कुल। पहले भाई को बताइए, 1 मिलियन, 1 मिलियन फॉलोवर की बधाई हो भाई को। हाँ, केक काट लेंगे जी। अभी 1 मिलियन का केक कटवाएंगे इसका। हाँ ठीक है। बाद में ये दोनों आपस में बातचीत करके कंट्रोवर्सी हो जाता है खत्म। इस कंट्रोवर्सी को खत्म होता हुआ देख के जनता सोचा था कि IPL के आगे कुछ मजेदार ट्विस्ट ही ट्विस्ट होगा, लेकिन ये ट्विस्ट भी भाई खत्म हो गया। हर सीरीज में जैसा हैप्पी एंडिंग हो जाता है, ये वाला सीरीज में भी हैप्पी एंडिंग हो गया। लेकिन 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 दूसरी तरफ भाई बॉक्सिंग मैच की बात चल रही है, चलो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विस भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनावर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर, और वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। बिग बॉस से निकलने के बाद कंट्रोवर्सी तो होता ही रहता है भाई, मैं बोल रहा हूँ अब तो बॉक्सिंग मैच होना ही चाहिए, और इस बॉक्सिंग मैच के लेफरी बनाना चाहिए सल्लू भाई को। सल्लू भाई एक बॉक्सिंग मैच करके खत्म कर दे इस कंट्रोवर्सी को। सब ठीक ठाक है ना, लेकिन ये किसने बनाया? बहुत टेस्टी बनाया, उसे बोलना कि अंबानी ने बोला है बहुत टेस्टी बनाते हो तुम, ध्यान देना थोड़ा, ये पुनीत सुपरस्टार ना आ पाए घर में, नहीं तो स्विमिंग पूल में नहाएगा आ गया तो। दूसरा सवाल ये है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। अंबानी है छोटा डन, सबको नचाते हाथों में, लेकिन हम कर सकते हैं अंबानी छोटा डॉन कर सकते हैं। बॉलीवुड को छोड़ो पला, हॉलीवुड को भी नचा सकते हैं अंबानी छोटा डॉन। तो वीडियो इतना ही था, अच्छा लगे तो कृपया करके एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो आप सभी का धन्यवाद दिल से।